वाणी का टॉपिक है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। इस वाणी में बाबा ने आते ही बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा कि निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। फिर बाबा ने खुद ही आंसर किया कि निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, लेकिन निश्चय में नंबर नहीं होते। या तो निश्चय होगा या फिर संशय होगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि आज बाबा ने साकार वाणी में भी इसका आंसर दिया। बाबा ने कहा कि अगर किसी का बाप मर जाए तो क्या वो कहेगा कि ये चित्र मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा बाप ही सामने चाहिए, मेरे बाप के दीदार हो जाए तभी मैं मानू कि वो मेरा बाप है। यानी कि निश्चय है तो पूरा निश्चय है ना कि वो मेरा बाप ही है। तो फिर आगे बाबा ने निश्चय बुद्धि की निशानियां बताई। बाबा ने कहा जो आत्माएं निश्चय बुद्धि होंगे उनके चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज हो। बाबा कहते कि निशाने को देखो अर्थात बिंदी को देखो, मस्तक में चमकती हुई बिंदु को देखो। फिर बाबा ने नैनों के बारे में कहा कि नैनों से ऐसे महसूस होगा कि जैसे आत्माएं देखते हुए भी कुछ और देख रही हैं, और फिर उनके बोल भी वही निकलेंगे क्योंकि उनकी स्थिति भी नशे वाली हो जाएगी। फिर बाबा ने आगे दृष्टि के बारे में कहा कि उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को हम जान सकते हैं। आगे बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा के लिए कहा कि जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे, और उनसे विकार की कोई बदबू नहीं आएगी। यही बाबा कहते मुख्य पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ से हम त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर हम विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। तो किसी ने कहा कि नंबरवार है। फिर बाबा कहते भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। फिर बाबा ने पूछा कि निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। फिर बाबा आंसर कर रहे हैं कि निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। ये फिर से बाबा ने प्रश्न पूछा। तो बाबा ने कहा निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वह तो है निश्चय वह संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? बाबा कहते आपके सामने कोई नया आए उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? तो किसी ने आंसर किया कि वाइब्रेशन के द्वारा। फिर बाबा कहते कि कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे फर्क होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है क्योंकि
वर्तमान समय समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए परखने की। बाबा ने कहा प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस किस चीज की चाहिए? परखने की, हमारी परख शक्ति बढ़ानी है। फिर बाबा कहते हैं मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? बाबा कहते तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होती है। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। बाबा कहते आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। वो निशानेबाज तो निशाना लगाते हैं अपने लक्ष्य पर, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? किस निशाने को हमने देखना है? मस्तक में चमकती हुई बिंदु को। तो बाबा ने कहा आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिली है। क्या शिक्षा मिली है? कि एक निशाने को देखो, वो निशाना क्या है? बिंदी। बाबा ने कहा कि बिंदी को देखो, तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। ये उनके नैनों की निशानी बाबा ने बताई कि जो आत्माएं निश्चय बुद्धि होंगे उनके नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देख रहे हैं। उनके बोल भी फिर वही निकलेंगे। नेचुरल सी बात है कि जो देखेंगे तो उनके बोल भी फिर वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। बाबा कहते कि निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। निश्चय बुद्धि की परख क्या होगी? एक तो उनकी स्थिति कैसी होगी? निशाने की तरफ। और दूसरा उनकी स्थिति कैसी होगी? नशे वाली। बाबा कहते यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो कि हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। फिर बाबा ने दृष्टि के बारे में बताया कि दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ तीन अक्षर याद रहे। यह तीन अक्षर कौन से हैं? यह तीन अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। तो बाबा ने बताया कि मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। बाबा कहते हैं कि देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह तीनों बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बाबा कहते हैं कि जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। फिर उसका रिजल्ट बाबा बता रहे हैं कि विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यानी कि आत्मा जितना अपना निराकारी स्थिति में रहेगी उतना निरहंकारी बनती जाएगी और निर्विकारी बनती जाएगी। तो क्या होगा? विकार की कोई भी बदबू नहीं रहेगी।
बाबा कहते यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह तीन बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? अगर हमने ये तीन बातें धारण कर ली, याद रखी, इस मुख्य पुरुषार्थ को कर लिया, तो हम क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। और भविष्य में फिर विश्व के मालिक अभी बनेंगे, ये नहीं कि हम सतयुग में जाके वहां बनेंगे। जब हम त्रिकालदर्शी बन गए तो हम भविष्य में फिर विश्व के मालिक अभी बनेंगे। त्रिलोकीनाथ वो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है, जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। बाबा कहते क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे बाबा को मीठी मीठी समझानी देने के लिए दिल व जान से, सिकवा प्रेम से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो देखो, बाबा ने आज की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आज वैसे तो बफर डे था, लेकिन आज के दिन एक मुरली रही हुई हुई थी। तो विशेष हमने बोला था कि आज के दिन ना जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्योंकि आप भी हमारे पास टाइम है 20-25 मिनट, तो वैसे तो अभी ब्रेकआउट रूम में हम जा सकते हैं, और वहां पर कुछ अगर अलग अलग जो होस्ट है उनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कई उनके बहुत सारे क्वेश्चंस मुरलियों के आधार पर होंगे। भले कोई किसी ने मैसेज भेजे थे कि साकार मुरली के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो भी है, साकार कहो या व्यक्त कहो, आपको जो भी मन में आते हैं ना पूछ ना, आपके मन में अगर कुछ, क्योंकि पहले भी बताया ना कि मुरलियों का राज समझना, बाबा की गुह्य राज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हो सकता है तो आप पोस्ट को पूछना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राज को क्लियर करना, ठीक है ना? तो हम कुछ देर के लिए बाबा के जो महावाक्य है उसको याद करते हैं, और जो बाबा ने कहा ना कि लास्ट का जो अंतिम महावाक्य था, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी, तो इस एक वाक्य के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना कि बाबा ने ऐसी ऐसी बातें क्यों बताई, ठीक है ना? तो चले हम थोड़ा देर के लिए बाबा की याद करते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है चाहे तो लिख कर रखना, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना कि क्या क्वेश्चन आया। मुरली पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बाबा ने अव्यक्त स्थिति क्यों कहा है, कैसे प्राप्त करनी है। तो हम आपस में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, और लास्ट में अगर किसी कुछ पॉइंट्स बताना है तो हम 4-5 मिनट और रुकेंगे। तो आपको जैसे लगा वैसे करना, ठीक है? ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। आपको कुछ शेयर करना है तो शेयर कर देना, और क्वेश्चन भेज तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? अच्छा, अभी ओम अनम्यूट किया होगा। जी सॉरी, मेरा मिस्टेक है। जी बोलिए। शांति दीदी। दीदी मैं अच्छा तो अभी ज्वाइन की हूँ, कोई खास टॉपिक पे है तो अलग बात है, अदरवाइज मेरा एक क्वेश्चन है मैं पूछूँ। आज के मुरली से किसी को शेयर करना है, पहले वो हम खत्म करें 5 मिनट में, जी और फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। ठीक ओके है। ओके जी। कोई को आज का मुरली के रिलेटेड कुछ बोलना है और कुछ शेयर करना है बोलिए। हाँ जी, अनिल भाई जी बोलिए। जी अंजू सिस्टर बोलिए। तो निश्चय का फर्क बाबा ने बताया ना, बताइए। हाँ जी अंजू सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रही है हमें। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा आज की मुरली से? क्या कहा बाबा ने निश्चय के बारे में? पूरा निश्चय का फर्क क्या है, बोलना चाहेगा कोई? तुम शांति जरा। हाँ दीदी, जी बोलिए। बाबा ने आज निश्चय के बारे में निशाना और नशे की बात की। निशाना में बिंदु रहना चाहिए और नशे में रहना चाहिए। जी हाँ, बाबा ने कहा ना, हम सेवा करते हैं तो कितना लोग आते हैं, लेकिन उनका हम परख कैसे कर सकते हैं? वो जान में कितना समय चलते हैं, वो इसके कितना निश्चय बुद्धि है, वो ऐसे हम परख सकते हैं, वो कितना निशानाबाजी है ना, कितना एकाग्रचित होकर निश्चय से वो सुनते हैं, उसके अनुसार हम उनको परख सकते हैं, है ना। और उनके उनके लिए क्या होता है, नशा भी रहता है, तो हम समझ सकते हैं दो निशानियां हैं तो वो ज्ञान मार्ग में आगे चलेंगे, है ना। सो और क्या बात कही?
तो निश्चय माना, हाँ बोलिए रिया सिस्टर, बोलिए निश्चय माना क्या होगा बोलिए। रिया सिस्टर आप बोल सकते हैं। बाबा ने कहा संकल्प में भी क्या है संशय नहीं होने है, थोड़ा भी 1% भी। सो निश्चय बुद्धि अर्थात क्या है, विजय का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हा व ना का स्वयं प्रति या दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा, है ना, कोई भी संशय नहीं होते क्योंकि स्वच्छ है मन। ओके, इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। निश्चय विजयी रत्न की निशानी है, है ना, निश्चय बुद्धि क्या है, विजयी रत्न है। सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंज नहीं होगी, ठीक है, सत्य निर्णय होने के बाद मूंजना आवश्यकता नहीं है ना, सदैव मौज में होगी, खुशी की लहर होगी, है ना, जहां सत्यता है वहां खुशी होगी, है ना। अच्छा, और कोई किसी को शेयर करना है? शांति दीदी, हाँ जी बोलिए। मैंने त्रिकालदर्शी का डेफिनेशन भी दिया है। जी बोलिए। ओम शांति दीदी, आज आज बाबा ने तीन त्रिकालदर्शी के डेफिनेशन में दिए हैं, तो त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ की भी डेफिनेशन दिए हैं, जो तीनों लोगों को स्मरण करते हुए त्रिकालदर्शी कहलाएंगे बाबा ने आज। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रही क्या, अभी अनम्यूट कर सकते? अभी हो रहा है दीदी, अब हुआ है दीदी, नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, शेयर कीजिए। अच्छा, जिनको बोलना है वही वो अनम्यूट करे, नहीं तो अननेसेसरी साउंड आ जाएगा। हाँ जी बोलिए। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने? हाँ जी सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, आज जैसे कि टाइटल था कि मनसा वाचा करना, तीनों को ठीक करने की युक्ति के बारे में बाबा बात कर रहे थे, तो बाबा ने बताया कि बच्चे मनसा को यदि ठीक करना है तो उसके लिए हमें निराकारी स्थिति का अभ्यास करना होगा। यदि हम निराकारी अवस्था का अभ्यास बार बार करते हैं तो मनसा में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्लीन हो सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। और यदि हम अपनी वाचा पे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी वाचा से कुछ भी गलत कर्म ना हो, तो उसके लिए हमें निरंकारी बनना होगा, क्योंकि अहंकार वश ही हम किसी को गलत शब्द बोलते हैं और पाप का खाता बना लेते हैं। कर्मना के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे यदि कर्मना को आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए निर्विकारी स्थिति का अभ्यास करना होगा, क्योंकि विकार ही होते हैं जिनके कारण हम कोई ना कोई गलत कर्म करते हैं। तो इस युक्ति से यदि हम तीन शब्दों को याद रखें तो मनसा वाचा और कर्मना तीनों ही ठीक हो सकती हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। So, पहले हम मनसा में निराकारी बनना है, है ना, निराकारी क्या है, सत्य स्वरूप। हम जब सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं ऑटोमेटिकली हमारा देहभान खत्म हो जाएगा, निराहंकारी निर्विकारी आ नहीं सकते। बाबा ने कहा ना विकारों का बदबू आ नहीं सकते, ये बातें बाबा ने कहा, इसलिए सदा निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ, तब हमारा ऑटोमेटिकली तीनों कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, मनसा वाचा कर्मण, तीनों रीति से। अच्छा हाँ, अभी बोलिए। अच्छा, और कुछ प्रश्न है? हमारा पास 8-10 मिनट है, बोलिए। आनंद शांता दीदी बोलिए, शिव कुमारी शांता दीदी आपका अनम्यूट है, कुछ बोलना चाहते हैं?
अच्छा अंजना सिस्टर आप कुछ, हाँ जी बोलिए, सुरेश भाई जी को बोलिए कुछ। ठीक है अंजना सिस्टर आप बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन था ना, प्लीज अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ सिस्टर जी बोलिए। सिस्टर हम पूछ रहे थे कि जैसे बाबा माफ करने के लिए बोलते हैं ना कि क्षमा करने के लिए शक्ति चाहिए, तो जब स्वयं स्वयं को माफ करने की विधि क्या है? अच्छा बहुत अच्छा है। आज मॉर्निंग से ना वो थोड़ा सा चल रहा है ऐसा कुछ भी, पास्ट कर्मा जो अपना हुआ जो भी है आफ्टर बीइंग वीक, तो आई फेल्ट कि मैं स्वयं स्वयं को ही माफ नहीं कर पा रही हूँ, गिल्ट फील है ना, गिल्ट में, गिल्ट आई एम नॉट फीलिंग गिल्ट बट आई डोंट नो, बट आई फेल्ट कि सामने वाले को मैंने माफ किया बट मैं खुद को ही माफ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा तो इसकी विधि भी नहीं समझ आ रही है। अच्छा कोई इसके बारे में बताना चाहेगा कैसे खुद को माफ करें? हाजी उषा जी दी बोलिए। क्या सोचे आप कैसे हम खुद को माफ करें? दीदी आई एम सॉरी, मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, मैंने सुनी ही नहीं मुरली। अच्छा ठीक है सॉरी दीदी। या और कोई शेयर करना चाहेगा कैसे हम खुद को, विधि क्या है माफ करने का विधि? दूसरों को आप कैसे करते हैं माफ? जो है जैसा है उसको। हाँ जी बोलिए सावित्री सिस्टर। दूसरों को माफ करने का विधि है क्या है ना? दीदी ओम शांति जी। दीदी जनरली मैं बता सकती हूँ, जैसे हम उनको उनकी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करें और उनकी गलतियां माइंड में ना रखते हुए, शुभ भावना रखते हुए मन में उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करें। यस वेरी गुड। अमन भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा है ना, वैसे ही हम खुद को एक्सेप्ट करें, जो हमने गलती की कोई बात नहीं, ठीक है हम सभी का साथ गलती होता है, लेकिन उस गलती से हम सीखना है, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करना है और बाबा को बताना है ना, हमारा साथ जो गलती हुई है वो बाबा को यथारीति से बताना है, मैं पर्पसफुली किया या न किया वो सादा सीध बाबा को बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम वो उसी गलती हम न करें, यही है माफ करने का विधि, एक्सेप्ट करें। ओके ज्यादा उसमें उलझ ना जाए, मैंने क्यों किया, मुझे क्या हुआ है, ऐसे थिंक ना करें, हो गया गलती ठीक है ना, अपने आप को दोषी उतना दोषी बना के नेगेटिव में नहीं जाने, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी पूरा शरीर में जाएगा, शरीर क्या होगा, शरीर को क्या होगा, स्वस्थ नहीं स्वस्थ रहेंगे नहीं ना। सो इसलिए पहले अपने आप को समझाना है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे बच्चे को आप जैसे समझाते हैं ना ऐसे ही समझाना, ज्यादा फीलिंग में गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है। अंजना सिस्टर ओके इफ जैसे कि अपने गलती करते हैं, अपने आप खुद को समझाते हैं, बट इफ certain situations come and people around us see us with those past karmic done by us as a faulty ki isne aisa kiya karke, to hum kaise apne aap mane kabhi na kabhi wo aata hai ubhar ke ki are nahi kiye rehte aisa kuch aata hai, दूसरे व्यक्ति आपको गलत समझते हैं, दोषी समझते हैं, ऐसा फीलिंग से आपके मन में। सो कहीं अपना भी गलती है एंड दूसरे उसको और महसूस करवाते हैं जैसे, तो फिर उसको और ज्यादा वो एग्रीवेट हो जाता है कि नहीं किए रहते तो ज्यादा अच्छा था वैसा। अच्छा उनके साथ और कुछ शेयर करना चाहेगा नीलेश भाई जी और मोहनलाल भाई जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके ऊपर? नहीं जी। अच्छा
ओम शांति। हाँ जी बोलिए। मुझे बस एक पॉइंट याद आ रहा है, जैसे ऐसे केस में ना हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर कोई हमें इस चीज के लिए ब्लेम दे रहा है, और अगर हमें भी कहीं लगता है कि हाँ ये चीज मैं अलग तरीके से कर सकती थी जो उस वक्त अपनी अवेयरनेस में नहीं किया, तो मैं उनको सॉरी कर सकती हूँ, और साथ में आगे के लिए हम अपनी लर्निंग रख सकते हैं, और आगे भी अगर हमारे लिए ऐसा कुछ पॉइंट है जो करने में अभी दिक्कत हो रही है, तो आगे हम अपनी प्राप्तियों और जो हमने एफर्ट से सक्सेस पाई है उसको हमेशा अपने ध्यान में आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने ये चीजें अचीव करी हैं उस तरीके से मैं इसमें भी चेंज ले आऊंगा। तो जब हम उस रियलिटी से चलते हैं ना, तब हमको गिल्ट नहीं आता। एब्सोल्युटली ट्रू बात है ना, क्योंकि वी आर ह्यूमन, हम सब पुरुषार्थी हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो सकती है। जब जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम भगवान नहीं है ना, तो फिर वो रियल हो जाता है कि ठीक है मुझसे गलती हुई है लेकिन आगे मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो उसके लिए हम अगर जितना अपने सम्मान में रहेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। थैंक यू सिस्टर। ना हमको पता है कैसे माफी मांगना है, ये सब हम वो फिर सब करते रहे। ठीक है अनु सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? हमारा पास 2 मिनट है अभी शायद। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर जो हमारी गलतियां होती है उसको लेकर हमने कोई भी शोक नहीं मनाना है, ना कोई गिल्टी फील करनी है, सीधा बाबा को बताना है। क्योंकि ठीक रास्ता जब हमें पता है कि ठीक रास्ता कौन सा है, तो मुझे गिल्टी फील हो चुकी है, तो उन्हें ठीक करके जो हमारा दूसरा रास्ता है तो वो बाबा ही साफ कर देगा। क्योंकि मुझे किस पर विश्वास है? मुझे अपने पर भी विश्वास है और बाबा पर भी विश्वास है। क्योंकि मैं खुद कौन हूँ, मेरा गाइड कौन है? तो गाइड भी हमें इन विघ्नों से पार ले जाता है। और अब घबराने की तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, सिर्फ रास्ते के पत्थर हैं और हमें सफलता की ओर ले जाना है। कोई भी कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी के साथ, और ये हो रहा है। ये भी नहीं कि एक आत्मा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही है, पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा। तो इस बोझ को हम क्यों ले, ये फिक्र हम बाबा को ही सौंप दे। बाबा संभाल ले, तो बाबा भी बोलेगा मैं संभाल लूंगा, बस नथिंग न्यू, कुछ भी नहीं। कोई भी इस टाइम हमारी ये स्थिति होनी चाहिए, कहीं भी हमें नहीं फंसना है। हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कल्प का भी हिसाब होता है। कभी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, बाबा ने क्या बोला, इस स्थिति को देखो कौन सी। बाबा बोलते जब समान की सीट पर त्रिकालदर्शी से उस आत्मा को देखो जिसके साथ वो हुआ। सही, सही बात, क्या पता कौन से समय की कौन सी आत्मा टक्कर में आ जाती है, हिसाब हुआ ना चुपता पूरा। जी शिव शक्ति सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहेगा? आपका वो जो प्रश्न अभी देखा। दीदी जी, निराकारी स्थिति के अभ्यास को कैसे बढ़ाएं, कृपा करके एक मिनट बताइए। कोई बताना चाहेगा निराकारी अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास कैसे बढ़ाएं, क्या करें उसके लिए? आई थिंक हम सभी अच्छी बोलिए। संगीता सिस्टर बोलिए। निराकार स्थिति के लिए अपने आप को आत्मा समझकर ये देह द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ, जैसे कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं इन हाथों द्वारा काम कर रही हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। टेंशन होता है ना, तो उसके नैन कैसे होते हैं और तीर लगाने वाले का निशाना लगाने वाले, जो जैसे बाबा ने मिलिट्री का वालों का भी उदाहरण दिया, तो उनका पूरा निशाना रहता है। तो इसी प्रकार हमारा निशाना क्या है? अच्छा संगीत सिस्टर कुछ बोलते जी, बिंदी को देखने का। अच्छा सभी मेन रूम में आ गए हैं, है ना? हमारा पास 10
दस मिनट है, तो यहाँ भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी बचा हुआ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था है ना, निराकारी स्थिति को कैसे बढ़ाए अभ्यास को, कोई इसके आंसर बताना चाहेगा? ओम शांति दीदी। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक कंट्रोल बाबा बताते हैं उसका टाइम पीरियड अगर बढ़ाते जाएंगे तो अशरीरी स्थिति में रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। या तो अपन परम धाम में बैठे रहें या फिर अपन सूक्ष्म लोक में फरिश्ता रूप में रहेंगे तो अपने आप ही ये जो अशरीरी स्थिति इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा दीदी। ओम शांति। सिर्फ कर्म करते ही बन सकती है वैसी स्थिति, स्पेसिफिकली नहीं। अच्छा, कर्मयोगी बनकर हमें कर्म करना है, ऐसा आप बोल रहे हैं मोहन भाई जी? चाहे किसी भी पोजीशन में बैठे हों, अगर हमारी काम करते वक्त नेचुरली जो स्थिति बन रही है तभी निराकारी अवस्था आएगी। ट्रैफिक कंट्रोल तो करें, वो तो है, पर हमें कई बार अपने आप बाबा खींचता है। कहीं भी बैठे हैं हम तो उस वक्त देखो आप अपने आप जब खिंचाव आता है तो अपने आप वो बाबा टाइम देता है 2-3 मिनट का। अब अपने आप निराकारी स्थिति पर स्टेज पर हम जाते जाते हैं, अपने आप नेचुरल होने लगता है। आप ट्रैफिक कंट्रोल पर तो ध्यान दो, पर बाबा का खिंचाव भी होता है, बाबा भी खींचता है निराकारी स्थिति बनाने के लिए। उस वक्त भी आप ध्यान दो, आप बिना ट्रैफिक काम करते वक्त भी अपने आप होने लगती है वो स्टेज, तो उस वक्त आप निकालिए टाइम। और काम करते वक्त अपने आप होने लगती है, वो अपने आप फीलिंग आने लगती है, काम करते जाइए और बनती जाएगी। अदरवाइज तो कोई मतलब, अगर आप ये सोचे कि परम धाम में बैठे रहो योग में बैठे रहो तो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, फिर आपका ध्यान काम की तरफ रहेगा। अच्छा। ये मेरा अपना विचार, अपना विचार एक्सपीरियंस है। ड्यूटी पर बैठे हैं या अपना काम कर रहे हैं कुछ, नेचुरल स्टेज अपने आप बने लगती है, उस वक्त आप ध्यान बीच में लगाते जाइए और काम भी करते जाइए। जी, इसके लिए हम बहुत अभ्यास होना इम्पोर्टेंट है ना। स्टार्टिंग में उतना अभ्यास नहीं होता है ना, सो इसलिए वो युक्ति पूछ रही है। स्टार्टिंग में नहीं होता, नहीं नहीं स्टार्टिंग में नहीं होता है। ट्रैफिक कंट्रोल को ध्यान देना पड़ेगा आपको, योग भी करना पड़ेगा। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। जैसे भाई जी ने कहा वो एकदम सही है, एक्यूरेट है, लेकिन अपन जैसे लौकिक में भी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस किसी चीज को अपन लगातार देखते जाते हैं वो अपनी नैनों में, बुद्धि में, मन में बस जाती है। तो अपने को अभ्यास बढ़ाने के लिए, कर्म करते हुए भी अभ्यास कब बनेगा, जब अपन बैठ के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर बैठ के लगातार उस बिंदु पे अपनी मन बुद्धि टिका के रखेंगे तो धीरे धीरे अपने मन बुद्धि उस बिंदु पे ही कर्म करते हुए भी टिक जाएगी। ओम शांति जी। तो मिरर इमेज कहते हैं ना, सामने रखना है वो इमेज को, निराकारी स्वरूप आत्म स्थिति को देखना है। ठीक है, 5 मिनट सब आप हमें खुले आंख से देखें और बाद में आंख बंद करके उसको विजुलाइज करें। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करने से हमको इजी होगा निराकारी स्थिति में जब आए तब तब अनुभव करने के लिए। तो बैठ करके करना जरूरी है। हाँ जी, और एक मिनट शांति दीदी, जब हम निराकारी आत्मिक स्थिति या स्मृति में रहेंगे, मैं पढ़ के बता रही हूँ, कुछ अक्षर मिले मुझे। जब हम निराकारी आत्मिक स्थिति या स्मृति में रहेंगे तभी हम निरहंकारी भी रहेंगे। निराकारी आत्मिक स्थिति या स्मृति में नहीं रहेंगे तो निरहंकारी स्थिति में भी नहीं रह सकेंगे। जगदीश भाई के लिखे हुए महावाक्य, निरहंकारी वाणी में ही आता है। हाँ, निरहंकारी, निराकारी और निरहंकारी, निराकारी अलग और निरहंकारी अलग। जगदीश भाई के लिखे हुए महावाक्य परमात्मा शिक्षाओं से पढ़ा मैंने ये वर्ड। दीपा सिस्टर, आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे उन्होंने पूछा था कि निराकारी स्थिति बनाने के लिए
जिस ज्यादातर हम अंतर्मुखी बने बाह्य मुखता से, मतलब यह जो शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए है कि बाह्य मुखता से हमें इनपुट लेना बंद ही कर देना है, मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट आई एम टेकिंग इनसाइड, मुझे क्या, मैं क्या ग्रहण कर रही हूँ, क्या क्या किस किस कर्मेंद्रियों से क्या इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। जितना जितना हम वो बंद करेंगे, जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे, तब हम निराकारी अवस्था पहुंचने के लिए आसान होगा। थैंक यू ओम शांति जी। संस्कारी मणि दीदी बोलिए, आपका हैंड रेस है। ओम शांति। निराकार स्थिति बनाने के लिए काफी दिन का अभ्यास चाहिए और इससे हमें बाबा को बहुत जिसका स्नेह होगा, मतलब मन बुद्धि संकल्प हर एक चीज से बाबा से जुड़े रहने वाले इंसान ही निराकारी स्थिति बना सकते हैं। और इसमें हमें कर्म करते हुए हम बना सकते हैं, गृहस्थ में रह के हर एक काम हर एक चीज करते हुए निराकारी स्थिति हम अनुभव कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल तो उस भीड़ भाड़ में रहते हुए हम कर सकते हैं। निराकारी स्थिति किसी भी अवस्था में रह के हम निराकारी स्थिति की अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा बुद्धि चलता है, यहाँ बैठे बुद्धि कहीं और जा रहा है, वो बुद्धि नहीं चलना चाहिए, वो बाबा के पास जाना चाहिए। हम आंखों से बाहर की चीज, सच्चाई सफाई और ईमानदारी निराकार स्थिति बनाने में बहुत सहायक है जी। आज के मुरली में ना निश्चय बुद्धि एक निशाने पर लगता है ना। सो निश्चय बुद्धि माना क्या है, सत्य स्वरूप को पहचानना, उसके उस स्थिति में हम टिके रहना है ना, सत्य स्वरूप में। अच्छा, और एक प्रश्न है हमारा पास, 3 मिनट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों का बैलेंस कैसे रखें? स्टूडेंट लाइफ, कृतिका सिस्टर आप लौकिक स्टूडेंट है और अलौकिक स्टूडेंट है, आप पहले वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कृतिका सिस्टर आप है अच्छा, कोई बताना चाहेगा इसके ऊपर बैलेंस कैसे रखें लौकिक और अलौकिक? कोई भी लौकिक काम करने जा रहे हैं तो अपना स्थिति उस वक्त सोच लीजिए कि हम बाबा की सेवा के लिए जा रहे हैं, हमारा खार कार्य बाबा प्रति है, जो भी चाहे लौकिक काम भी बाबा की सेवा पर है। काम अपना ठीक करिए, सच्चाई सफाई से करिए, बाबा की पावर मिलती जाएगी। जब आप काम करके आएंगे तो बाबा की पावर मिलेगी, काम करते वक्त भी मिलेंगे, पर अगर हमारे अंदर सच्चाई सफाई हो लौकिक काम में, चाहे हम ऑफिस में बैठे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, इवन मजाक में भी हमारी वो गलत शब्द गलत बोल कोई मजाक में भी झूठ नहीं निकलना चाहिए, झूठ निकल गया तो उसको करेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी स्थिति अपने आप बनती जाएगी। ये है लौकिक में अलौकिकता, अनुभव अनुभव। आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हो चलते फिरते बस में गाड़ी में किसी के साथ अच्छा, तो भी आपको टचिंग आएगी अगर आप सही व्यवहार करते हो चलते फिरते। किसी कोई हमारे साथ डील कर रहा है, किसी ने हमें गलती से पेमेंट कर दी, कोई गलत ज्यादा पेमेंट वापस कर दी, कई बार दुकानदार ज्यादा दे देते हैं, अगर हम आप दे देते हो वापस करते हो उस जो उसकी दुआ निकलती है हमें बाबा की टचिंग उसी वक्त आती है, ये अनुभव कहता है जी। दीपा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा था उनको वापसी में कि वो स्टूडेंट है क्या है, क्योंकि उसका अनुसार उत्तर देना होता है, कौन प्रश्न पूछ रहा है वो किस भाव से प्रश्न पूछ रहा है उसी का अनुसार। जैसा आपने पूछा था अभी मेरा उत्तर, अगर पूछने वाला स्टूडेंट है तो उसका अनुसार मैं अभी उत्तर दे रही हूँ। मान लीजिए वो स्टूडेंट है और यह प्रश्न पूछ रहा है कि वो लौकिक और अलौकिक में बैलेंस कैसे रखे। वो स्टूडेंट है तो उसका लौकिक का मतलब है उसका स्टडीज होता है, स्टडीज वो होता है लौकिक, और यह अलौकिक का बैलेंस मतलब रोज रेगुलर मुरली क्लास करना, योग करना। हाँ, तो जितना पढ़ा है, जितना बाबा का मुरली भी रोज तो सुनते ही है ना, तो उसको कितना थोड़ा तो बहुत धारण करे, और थोड़ा देखो सेंटर में जाना भी एक सेवा हो जाता है। तो यह स्टूडेंट, ये किस लिए हम बोल रहे हैं कि हम बचपन में ज्ञान से रहे
हम स्टूडेंट लाइफ में भी या दोनों का बैलेंस रख रहे थे उसका अनुसार, मतलब अनुभव के अनुसार बोल रहे हैं। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। शांति सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जी दीदी, हमें लौकिक में अलौकिक रहने के लिए ये करना पड़ेगा कि हमें हमेशा अपने मन में हर कर्म करते हुए हमेशा ये ध्यान रहे कि हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ बाबा का है। और इस भावना से अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था भी रहेगी, बाबा के प्रति विश्वास भी रहेगा और हर कर्म में अलौकिकता की भावना रह जाएगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए दीदी। इसमें हमें टाइम टेबल की जरूरत सबसे पहले है। अगर हम टाइम टेबल बना के अपना चलेंगे तो हम जो हर चीज का बैलेंस रख सकते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो बैलेंस ठीक से बन नहीं पाएगा। टाइम टेबल टेंशन क्रिएट करता है। अच्छा, मन में, मन का टाइम टेबल बनाना है ना। जी सुनील भाई जी, आप कुछ कहना है? आपका हैंड राइज है। लास्ट हम लेते हैं। टाइम भी हो गया है, मुझे लगता है लास्ट 5 मिनट हम जैसे गुड नाइट मेडिटेशन करते हैं। तो गुड नाइट मेडिटेशन करते हैं। गुड नाइट। जी पुरुषोत्तम भाई जी, आप कराएंगे? हाँ जी। ओम शांति। देखिए अपने आप को, मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीर आत्मा नहीं हो सकता है और आत्मा शरीर नहीं हो सकती। हम दोनों न्यारे हैं, न्यारे थे, न्यारे है और फिर न्यारे हो जाएंगे। यही सत्य है। इसी निश्चय के साथ मैं आत्मा उड़ चली अपने सूक्ष्म वतन में देखे ब्रह्मा बाबा के सामने। जितना बाबा के ऊपर निश्चय है उतना ही बाबा की शिक्षाओं के ऊपर पूर्ण रूप से निश्चय है। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहे बच्चे निश्चय बुद्धि भाव, ये वरदान प्राप्त करके पहुंच जाते हैं अपने निज धाम परम धाम। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड अपने निराकारी स्वरूप में। ये तो मेरा अस्थि स्वरूप है जहां से मैं आत्मा आई थी और जहां मुझे वापस जाना है। ये तो मेरा स्वधर्म है, यहाँ पर तो मैं जहां चाहे जब चाहू जैसे चाहू जितना समय चाहू टिक सकती हूँ। इसी स्मृति में, इसी निश्चय से, इस निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर, सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हम कॉल यहां समाप्त करेंगे। ओम शांति। गुड नाइट।